पहली बात तो ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी ये सुविधा जो है सिर्फ बड़े सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में थे। मैं बेसिकली जहाँ से लातूर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, निलंगा तालुका हलगरा मेरा छोटा सा कस्बा है, और वो बम्बई आने के लिए उनको जो दिक्कतें आती थी, ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस, वहाँ रहने का एक्सपेंसेस, और ये इन्फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलती थी, दो दो तीन तीन महीने। हर चीज़ हम आर्टिफिशियली तैयार कर सकते हैं कि अभी साइंस ने इतनी प्रगति की है कि बहुत सारे इम्पॉसिबल चीज़ें जो अपने को इम्पॉसिबल लगती थी आज पॉसिबल है। सजीव के अंदर नहीं होते हुए लैब में होता है, इसलिए इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, IVF बोलते हैं। अब IVF में बहुत सारे प्रकार हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जैसा कि IUI भी आता है, जिसमें हम स्पर्म वॉश करते हैं, स्पर्म वॉश करके इस बच्चेदानी के अंदर डालते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ स्पर्म डालते हैं, यहाँ बच्चा नहीं डालते, इसे IUI बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सेकंड डेफिनेशन ये है कि जहाँ पे ह्यूमन गैमेट, स्त्री बीज और पुरुष बीज को हम हैंडलिंग करते हैं, जो कि जो कुदरती तरीके से माँ के पेट में ये सब चीज़ें होती हैं, वो माँ के पेट में होने से पहले जो हम हैंडलिंग करते हैं, उसके प्रोसेस करते हैं और उसका बच्चा तैयार करते हैं, तो इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फिर अब IUI आ गया, IVF आ गया, ये ICSI आ गया, लेजर असिस्टेड हैचिंग आ गया, थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन आ गया, TISA आ गया, पोस्ट मेनोपॉजल प्रेगनेंसी आ गई, और यहाँ तक कि अब IVF में अगर दो से ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो हम उसे एम्ब्रियो रिडक्शन भी करते हैं। अब इसका मैं एक डिटेल में बता देता हूँ। इन IVF में हम क्या करते हैं, औरत के स्त्री बीज लेते हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसे इंजेक्शन वगैरह दे के औरत के हम अंडे बढ़ाते हैं, सोनोग्राफी पे देखते हैं, अंडे बहुत अच्छे हैं। एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, वो ट्रिगर देने के बाद हम उसके अंडे निकाल लेते हैं, उसी टाइम हस्बैंड के शुक्रियंतु लेते हैं और उस अंडे के बाजू में शुक्रियंतु डाल के रखते हैं, वो 24 आवर के अंदर वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है और वहाँ से बच्चे तैयार होते हैं। दिस इज़ IVF। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IVF एंड ICSI? अब जब शुक्रजंतु बहुत ही कम रहते हैं और यहाँ पे शुक्रजंतु खुद ब खुद अपने बलबूते पे प्रेगनेंसी कर नहीं सकता है, या फिर शुक्रजंतु बहुत वीक हैं, ऐसे वक्त हम क्या करते हैं कि एक अंडा लेके एक शुक्रजंतु निडल के जरिए उस अंडे को रप्चर करके अंडे के अंदर स्पर्म का हम इंजेक्शन देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। तो ये बहुत बढ़िया टेक्निक है जिसमें शुक्रजंतु बहुत कम है, एक या दो शुक्रजंतु हैं। नॉर्मली शुक्रजंतु 20 से 40 मिलियन चाहिए, तो 20 से 40 मिलियन शुक्रजंतु रहने के बाद जो बच्चा होता है, और किसी आदमी में शुक्रजंतु कम होते 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 एक भी अगर शुक्रजंतु मिल गया तो उस एक शुक्रजंतु से भी हम ICSI के जरिए बच्चा तैयार कर सकते हैं। दैट इज द चैलेंजिंग जॉब, जो कि एक ज़माने में था कि अगर शुक्रजंतु नहीं है तो बच्चा ही नहीं हो सकता, या फिर दूसरे के शुक्रजंतु लेके डोनर से करना पड़ता था, तो अभी हम खुद का बच्चा अगर एक भी शुक्रजंतु है तो हम कर सकते हैं। अब सिर्फ एक भी शुक्रजंतु है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक भी शुक्रजंतु नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पुरुष के जनन मार्ग में कहीं अवरोध निर्माण होता है या ऑब्स्ट्रक्शन निर्माण होता है, तो उस वक्त पुरुष के वीर्य में शुक्रजंतु एक भी नहीं होता है, लेकिन टेस्टिस में रहता है। तो हम वैसे वक्त TISA एक ऑपरेशन करते हैं, जिस TISA से उसमें से शुक्रजंतु इंजेक्शन के जरिए निकाल लेते हैं, इंजेक्शन के जरिए शुक्रजंतु लेके एक शुक्रजंतु लेके एक इसमें हम अंडे में डालते हैं, और एक भी शुक्रजंतु मिला उस अंदर TISA के अंदर, तो हम उससे बच्चे तैयार कर सकते हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कम से कम 20 से 25 लोगों को, जिनको शुक्रजंतु एक भी शुक्रजंतु नहीं था, बाहर सब लैब से रिपोर्ट थे कि बिल्कुल शुक्रजंतु नहीं है इसलिए बच्चा नहीं हो सकता। पुराने ज़माने में डोनर इंसेमिनेशन करते थे कि इसका शुक्रजंतु के बजाय दूसरे लेके करते थे, लेकिन अब वो करने की ज़रूरत नहीं है। TISA के जरिए हम खुद का अनुवंशिक, अपना हेरिडिटरी, अपना DNA मटेरियल वाला बच्चा तैयार कर सकते हैं। ये हो गया TISA। लेज़र असिस्टेड हैचिंग का मतलब ये है कि कभी कभी औरतों का इलाज करते 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 40-50 साल तक बच्चा नहीं होता, तो 40 साल की उम्र में जो 16 साल के लड़की के अंडे हैं वो बहुत अच्छे अंडे रहते हैं, और 40 साल की उम्र के औरत के अंडे, जैसा इसके उम्र के साथ साथ उसकी भी उम्र बढ़ती है, तो वो अंडे भी उतने जवान नहीं रहते जैसा बूढ़े अंडे के जैसे रहते, तो उससे बच्चा होना डिफिकल्ट रहता। ऐसे वक्त हम क्या करते हैं, उस अंडे का जो झोना लेयर है, बाहर का आउटर रिंग जो है, वो आउटर रिंग को लेज़र से हम उसका ड्रिलिंग करते हैं, और उस ड्रिलिंग की वजह से
उसके अंदर शुक्रजंतु खुद ब खुद जा सकता है, वैसा ही उस इसके शुक्रजंतु से ज़्यादा बच्चा तैयार होने के बाद जो हैचिंग होना चाहिए वो हैचिंग की प्रोसेस बहुत सुविधाजनक होती है, इसलिए इसको लेजर असिस्टेड हैचिंग बोलते हैं। नॉर्मल जैसा मुर्गी का बच्चा अंडा फोड़ के बाहर आता है, इंसान में भी वही प्रोसेस होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज हैचिंग। हैचिंग बोलते हैं अंडे में से बच्चा बाहर आना। तो बच्चा जब तैयार होता है तो वो अगर उसका थिक झोना है तो तैयार होने के बाद भी बाहर नहीं आ सकता, इस वक्त हम उसे लेजर से उसे असिस्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेजर असिस्टेड हैचिंग। उसके साथ साथ अभी का ज़माना ये आया है कि थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन, अब करते करते इलाज करते करते ऐसा भी कुछ हो सकता है कि उम्र के 50-60 साल तक बच्चा हो ही नहीं सका, या कुछ गरीबी की वजह से बड़े सिटी को जा नहीं सके, मेट्रो सिटी में जा नहीं सके, अब उनकी तो लाइफ हो गई। अब ऐसे वक्त भी एक स्ट्रांग डिज़ायर रहती है कि इंसान को अपना खुद की औलाद हो, तो ऐसे वक्त हम थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन करते हैं। थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल फीमेल की एज करते करते 50 साल तक पहुंच गई, अब उसकी माहवारी बंद हो गई, उसके अंडे भी तैयार नहीं हो रहे, तो ऐसे वक्त उसके रिलेटिव के या कोई अनॉनिमस डोनर है उसका अंडा लेके, हस्बैंड का शुक्रजंतु लेके उससे बच्चा तैयार कर सकते हैं, और 50-60 साल की उम्र में भी हम बच्चे तैयार कर सकते हैं। हमारे अभी के दो पेशेंट हैं 67 ईयर्स के कपल में, यहाँ से सुकरी बोल के गाँव है बीड डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का एक कपल है 67 ईयर्स के उम्र में उनको एक लड़का एक लड़की हुआ है, और अभी उसकी एज बच्चों के 5 साल की है दोनों बच्चों की। तो ये होगा थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन। थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन में दूसरा सरोगेसी भी होता है, अंडे अच्छे हैं कीटाणु अच्छे हैं लेकिन गर्भाशय अच्छा नहीं है, बच्चेदानी अच्छी नहीं है, तो ऐसे वक्त हम सरोगेसी भी यूज़ कर सकते हैं। सरोगेसी में क्या होता है कि जैसा कि फॉर एग्जांपल बच्चा अपना ही है लेकिन उस बच्चे को अपन रख नहीं सकते, जैसे अपन बच्चे को हॉस्टल में रखते ले जाके एक साल के लिए पढ़ाई के लिए, वैसा ये बच्चे को अपन लीगल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, जो लीगलाइज प्रोसेस हो चुके हैं इंडिया में भी हैं बाहर भी है, लीगल प्रोसेस के जरिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, और उस सरोगेट मदर के इसके अंदर वो बच्चा रखते हैं, और जैसा ही डिलीवरी हो गई वो बच्चा वो ओरिजिनल पेरेंट जिसका बच्चा है हम उसको दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए सरोगेसी। तो ये चीज़ें जो हैं ये लातूर जैसे सिटी में इट वॉज इम्पॉसिबल बिफोर 21 ईयर्स, मैं जब 2000 में आया, जब का मैं एग्जांपल बोलता हूँ, मेरी मिसेज डॉक्टर रजिया वो काउंसलिंग करती हैं, तो मैंने सिंपल लोगों को समझ में आने के लिए ऐसा किया था कि औरत में ये अंडे होते हैं, ये पुरुष में शुक्रजंतु होते हैं, ये अंडे लेकर हम ऐसा करते हैं, तो वो पेशेंट को बड़े अचरज से बोलने लगा कि औरतें कभी अंडे नहीं देते, तो उसे ऐसा लगा कि जैसा कि मुर्गी अंडे देती औरत कहाँ देती। तो बोलने का मतलब ये है कि इस नॉलेज, इस साइंटिफिक नॉलेज खेड़े गाँव तक था ही नहीं, और ये मुझे प्रोपोगेट करना चाहिए था, ये लोगों को समाज में लोगों को ये एक मेडिकल एजुकेशन देना ज़रूरी भी था, और मैंने वो मेडिकल एजुकेशन दिया। आज बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोग अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे, पहले ऐसा लगता था कि टेस्ट ट्यूब बेबी बोले तो ये अपना बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है, लेकिन एक्सेप्ट थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन, बाकी सब चीज़ें अपने खुद के ही होते हैं, और जब थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन करना है तो वो लीगली बॉन्ड करके, लीगल कंसेंट लेके, उनकी अनुमति लेके उसके बाद ही किया जाता है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो चीज़ आज से 20 साल पहले इम्पॉसिबल लगती थी, 60 साल की उम्र के बाद आपका बच्चा कर ही नहीं सकता ऐसा लगता था कि आज पॉसिबल है। हमारा खुद का रिकॉर्ड है 67 ईयर्स का, और 67 ईयर्स में आज उनको दो बच्चे हैं, और उस गाँव में वो हर किसी को अपने बच्चे बताते फिरते हैं, देखो हमने केजीएन हॉस्पिटल में यहाँ पे ये बच्चे किए हैं, ये हमारे खुद के बच्चे हैं। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप सोच सकते हैं कि 21 ईयर्स पहले जब डॉक्टर आमिर शेख जी लातूर में आए थे, तो उस वक्त की पोजीशन और इस वक्त की पोजीशन, आज इंटरनेशनल लेवल की डिग्रियाँ होने के बावजूद भी लातूर में वही सुविधा जिनको इनफर्टिलिटी की समस्याएँ हैं उन तक पहुँच रही हैं। तो डॉक्टर आमिर शेख जी को मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने एक बहुत इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल तो यहाँ पे खोला ही है, लेकिन जो लोग इन समस्याओं से परेशान हैं इनके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। तो मैं दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी अगर आपको गैर समझ है, जो भी आपको शंकाएँ हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, तो अगर वो दूर करनी है तो एक ना एक दिन आप KGN टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर लातूर यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। डॉक्टर आमिर शेख आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे, बहुत अच्छी तरह से काउंसलिंग करेंगे और सब शंकाएं आपकी दूर कर देंगे।
आपको मैं अभी एक इंटरनेशनल लेवल का लैब दिखाने जा रहा हूँ जो कि मैंने खुद देखा है। यहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे कि ये लातूर जैसे शहर में है। तो हम अभी चलते हैं ऊपर, किस तरह से आपकी ट्रीटमेंट होगी या किस तरह से आपको फैसिलिटीज़ दी जाती है, हम आपको थोड़ी देर में ऊपर लैब में लेके जाते हैं।